नमस्कार, आप देख रहे हैं beforeprint.in और मैं हूं रंजीत झा। आज हमारे साथ मौजूद हैं beforeprint.in के संपादक शैलेंद्र दीक्षित जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। फाइनली 17वीं लोकसभा के लिए राष्ट्रपति के समक्ष नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है, साथ ही उनके कैबिनेट ने भी शपथ ग्रहण कर लिया है। अब बात हम लोग बिहार की करेंगे कि 2014 के मुकाबले 2019 में अब तस्वीरें क्या बन रही हैं, बिहार से किन चेहरों को मोदी कैबिनेट में जगह दी गई है और कौन से ऐसे चेहरे थे जो पीछे छूट गए। 2014 के मुकाबले अभी तक का जो आंकड़ा सामने आया है, मात्र 6 लोगों को इस बार बिहार से जगह दी गई है, जबकि 2014 में 8 लोगों को जगह दी गई थी। चलिए, बात हम अगर उपेंद्र कुशवाहा को हटा भी देते हैं तो उसके बाद भी मोदी कैबिनेट में बिहार से रिप्रेजेंटेशन की और भी ज़रूरत थी। हम इसी विषय पर बात करेंगे और सबसे बड़ी बात यही करेंगे कि नीतीश कुमार जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार में NDA के सबसे बड़े सहयोगी हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन मोदी कैबिनेट में बिल्कुल भी नहीं है। सर, सबसे पहले बात, नीतीश कुमार ने मना क्यों कर दिया? देखिए रंजीत जी, अगर आज नीतीश जी एक सीट के फैसले पे को मान लेते तो आने वाले समय में उनको तमाम चीजों की दिक्कत होती है। हमेशा बीजेपी दबाती चली जाती है, क्योंकि बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला हुआ है। जो सहयोगियों को उन्होंने दिया है वो सिंबॉलिक है कि सबसे एक देखिए, ये बात बड़ी अजीब सी लगती है कि जिस पार्टी के 6 मेंबर हों, 6 सांसद हों, माने लोजपा के 6 सांसद हैं, उनको एक बर्थ मिल गई। 16 सांसद जदयू से हैं और उनको एक सीट मिल रही है। कल नीतीश जी की अमित शाह जी से बात हुई थी और वहां तक ठीक था, लेकिन आज सवेरे जब चाय के लिए बुलाने की बात हुई प्रधानमंत्री के यहाँ, तो केवल साइड RCP सिंह जी को बुलाया गया जी। तो उसके बाद ये स्टैंड लिया गया और उन्होंने कहा कि हम गठबंधन के तौर पे हम बीजेपी के साथ रहेंगे लेकिन हम उसमें शामिल नहीं होंगे। तो एक तरीका है कि विरोध दर्ज कराने का, एक विरोध की शुरुआत यहाँ से माना जा सकता है। अब इसको मान लीजिए कि कोई नई कहानी की इबारत का खाका तैयार हो रहा है कि हो सकता है कि 2020 में कोई नई भारत नई कहानी खड़ी हो। सर, इस पे हम लोग बात करेंगे, थोड़ी गहराई में जाएंगे, लेकिन एक बार सर 2014 वाले मोदी कैबिनेट की हम बात करते हैं कि जब 2017 में जब महागठबंधन से नीतीश कुमार अलग हुए थे, उसके बाद एक बार फिर से मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ था, उस वक्त भी जदयू के किसी सदस्य को उसमें जगह नहीं दी गई थी। नहीं, वो है, अभी देखिए आज इनके जो मेंबर्स ने 58 लोगों ने शपथ ली है, पिछली कैबिनेट में 74 लोग जी। तो अभी भी एक गैप है, 22 जगह अभी बचती, हो सकता है कि आगे कोई रास्ता निकले और बात बन जाए क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कि इस नीतीश जी ने जो शामिल नहीं हुए जी। और बीजेपी ने जगह ज्यादा नहीं दी, इससे सबसे बड़ा फायदा गठबंधन के लोगों, महागठबंधन के लोगों को हुआ है। राजद की तरफ से पहली प्रतिक्रिया आ गई, जो अपनी इतनी बड़ी हार से चुप बैठे हुए थे, बोल नहीं रहे थे, शिवानंद जी का बहुत एक बयान आ गया। शिवानंद जी ने कहा है कि अगर ये बीजेपी ने सारे धानों को मैंने समान रूप से सबको तोल दिया है, मतलब 6 वाले को भी दिया है और 16 वाले को भी दिया है, तो उन्होंने एक कमेंट पास कर दिया और कहने लगे वो खाने का जो कौर हो उसमें मक्खी आने जैसा ही है। और नीतीश जी चतुर राजनीतिज्ञ हैं, तो उन्होंने इसको भांप लिया कि भविष्य में ये बातें ना हो, तो इसलिए उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए ये कर दिया। सर, इसमें दो एंगल देखा जा सकता है, एक नीतीश कुमार जैसा कि आपने कहा, उन्होंने भापने के बाद यह तय कर लिया कि मुझे इसमें शामिल नहीं होना है लेकिन हम बीजेपी के साथ रहेंगे। सर, बीजेपी ने क्या सोचकर एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वाली नीति अपनाई? देखिए, एक तो ये हुआ है कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं आगे जी,
वहाँ को रिप्रेजेंटेशन उन्होंने ज्यादा दिया है जी। और मुझे लगता है कि अब बीजेपी जो पूरे देश में अपना परचम चाहती है तो हर स्टेट में वो अपनी ही सरकार चाहती है जी। अब यहाँ गठबंधन है, नीतीश जी बड़े चेहरे हैं, उन्होंने काम भी यहाँ किया है, फॉलोइंग भी उनकी बड़ी है, तो ये एक समस्या तो बीजेपी के लिए है। लेकिन अब हो सकता है कि कुछ दिमाग में उनके चल रहा हो कि जो हमको 2020 में सीटों को बंटवारा होगा, जैसे इस बार सीटों को बंटवारा हुआ तो इनके जो मेंबर थे सीटें अपनी घटा के, अपने सांसदों के टिकट काट के इन्होंने सीटें दे दी जेडीयू को। अब हो सकता है ये इनकी रणनीति थी, क्योंकि इनको खुद नहीं था कि हम इतने बड़े प्रचंड से आ रहे हैं जी, बिल्कुल ये नहीं था। अब तब तो इन्होंने मान लिया, अब इनको जब इतना बड़ा दिखाई दे रहा है सर, तो जो 243 सीटें बिहार विधानसभा में है, तो इसमें से जदयू बीजेपी और लोजपा के बीच अगर बांटने की बात आती है, जेडीयू बीजेपी और लोजपा के बीच, तो क्या ये जो आपने अभी बात कही कि कम सीटें बीजेपी ने लेकर के इसमें लोकसभा चुनाव में फाइट किया, तो क्या 2020 में बीजेपी इसका फायदा चाहेगी? बिल्कुल, ये अभी तक नीतीश जी को बड़ा भाई मानते हैं जी, तो ये कोई मैंने आश्चर्य की बात नहीं होगी कि बड़े भाई को दबा लिया जाए, दबाने की कोशिश हो जी। इसीलिए आज बड़े भाई ने वो अपनी जगह को बरकरार रखा और अपने विरोध के दर पे अपना वहां पे कर दिया कि भाई इससे इस तरीके काम चले। बिहार में ये संदेश कैसा जा रहा है? बेसिकली अगर देखें कि जदयू इतनी बड़ी पार्टी बन के उभरी है केंद्र में, मतलब इतनी सारी सीटें जीतने के बाद भी अगर कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, अगर करना भी चाह रहा था तो एक सीटें मिल रही थी, तो इसे बिहार की जनता के बीच क्या संदेश जाएगा सर? अब जनता के बीच जो संदेश जाए, नीतीश जी को अपने को अपने बचा के रखना है और बीजेपी को अपनी बढ़त बनानी है। जैसे अब रामकृपाल जी को हटा दिया, चलिए राधा मोहन जी के लिए था कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं ठीक थी, ये नहीं था या चुनाव हारने की भी उनकी संभावना व्यक्त की जा रही थी, तमाम चीजें। रामकृपाल जी तो सब सुलभ आदमी है, बिल्कुल, जब चाहिए तो उनको ढूंढ लीजिए, जहाँ चाहिए ढूंढ लीजिए, हर जगह खड़े रहते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस इससे क्या खराब थी जी? बिल्कुल। अब ये सवाल तो मेरे भी मन में है कि रामकृपाल जी को जगह क्यों नहीं मिली, रामकृपाल जी को जगह क्यों नहीं मिली? अब क्या आगे जो विस्तार होगा उसमें उनको जगह मिली? नित्यानंद राय जी को ले आए हैं मंदिर बनाने, नित्यानंद राय को किस तरह का ये गिफ्ट मिला है कि बीजेपी के अच्छे परफॉर्मेंस के लिए? आपके हो सकता है कुछ, मैंने जो यादव वोट का समीकरण है उसके लिए कुछ उपाय हो रहा हो, रामकृपाल यादव को नाराज कर देना। हाँ, रामकृपाल जी को नाराज कर देना। अब इसको दूसरे तरीके से भी आप देख सकते हैं कि जो लोग आयातित थे उनको थोड़ा सा उनसे दूरी बनाई जा रही है, आयातित लोगों को भी जी। अब ये जरा सा विश्लेषण करना पड़ेगा कि इम्पोर्टेड जो लोग थे जो दूसरे दलों से आए थे कि उनको क्या हुआ। अब एक चीज और देखिए, रामविलास जी चाहते थे कि चिराग पासवान को बनाया जी, ये उनकी दिली ख्वाहिश थी, क्योंकि वो स्पष्ट भी रहते हैं चुनाव भी नहीं लड़े, इसीलिए ठीक था राज्यसभा में जाते, इतने सीनियर लीडर हैं तो कुछ सरकार हमारे को भला होता है, कुछ दिशा निर्देश देते रहते कुछ करते। लेकिन ये भी बात नहीं मानी गई, मौका तो उनको दिया गया, लेकिन बात तो वही बनी रही कि अब नई पीढ़ी का कोई वहां नहीं है कि आप आइए शामिल हो जाइए, तो एक कसक में तो उनके भी दिल में कसक होगी। तो एक चर्चा चल रही थी कि अश्विनी चौबे पे एक आशंका जताई जा रही थी कि उन्हें इस बार शामिल नहीं किया जाएगा, हो सकता है कि उनके बदले नए चेहरे को मौका मिल सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं सर। अश्विनी चौबे जी बहुत वोकल लीडर है जी, जमीन से जुड़े हुए आदमी, संघ के बहुत पुराने आदमी जी, तो जो एजेंडा है बीजेपी का उसको बढ़ाने में वो सहायक आदमी, तो उनके साथ के बाद मुझे नहीं लगता था कि इनके साथ ये हो जाएगा। अच्छा सर, बात को अगर एक बार फिर से हम नीतीश कुमार से जोड़ करके देखें, तो नीतीश कुमार
क्या एक कोई गुंजाइश आपको दिखती है कि 2020 में साफ तस्वीर बदल सकती है नीतीश कुमार? नहीं नहीं, अभी इट इज टू अर्ली, ये अभी नहीं कहा जा सकता, इसी कोई मतलब आशंका भी करनी भी नहीं व्यक्त करनी चाहिए। लेकिन जो आज हुआ इसका मैसेज डाउन द लाइन अच्छा नहीं जाएगा, अच्छा नहीं जाएगा। मतलब विपक्ष से लगातार अभी जो हमले का जो विपक्ष चुपचाप बैठा था जी, उसके मन में उसको एक आशा की किरण मिल गई कि अब नहीं है तो अब किसी पे बोलना शुरू हो गए कि अब देखिए हम तो यही कहते थे अब वही शुरू हो गया। अच्छा सर, इसमें एक चीज हम लोग और कर सकते हैं, जो अभी हमने शुरू में ही कहा कि 2014 में 8 लोग थे जो बिहार से रिप्रेजेंट कर रहे थे, 2019 में अब तक 6 लोग हैं, तो दो गुंजाइश तो बन रही है। नहीं, ये तो हम भी कह रहे हैं जी कि अभी जो 22 सीटें बाकी हैं उसमें चाहेंगे तो दे सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अभी कोई बात और नीतीश जी अपने अपना विरोध दर्ज कराए लेकिन समारोह में गए, वहां रहे बाकायदे, तो वार्ता की गुंजाइश तो अभी है ही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि अभी इसे मान लिया जाए कि नहीं आगे ये होगा। लेकिन अगर नहीं शामिल होते हैं तो फिर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा और बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा, क्या समीकरण पैदा होंगे अभी तो आज के बाद से थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा। और अभी तो देखना है कि मतलब राधा मोहन जी को क्या हटाया, राम गोपाल जी को क्या हटाया, कोई मैसेज अभी निकलेंगे, अभी आएंगे तो ये बातें होंगी। और विपक्ष कैसे स्पेशली राजद कैसे रिएक्ट करता है, अब हो सकता है अभी लालू जी का भी कोई ट्वीट आ जाए तो कोई मतलब उसमें आश्चर्य की बात नहीं होगी। अगर सर इतनी सारी बातें हुई तो उन चर्चा को भी थोड़ा सा शामिल कर लेते हैं, जो इस बीच में जब लालू प्रसाद की किताब सामने आई गोपालगंज टू रायसीना, उसमें नीतीश कुमार 6 महीने के बाद एनडीए से उब जाने की बात बताई गई, नीतीश कुमार उब गए थे और फिर से चाहते थे कि महागठबंधन में वापसी हो जाए, तो क्या ये चीज जो आज जो हुआ नीतीश कुमार ने जो स्टैंड लिया, क्या इसको इसकी शुरुआत माना जाए? रंजीत, इस सबको जोड़िए नहीं आज की तारीख, इसको आज की तारीख में जोड़िए नहीं, एक सर संभावनाओं की बात कर रहे हैं, बहुत जल्दी हो जाएगी, इसे आप जोड़िए नहीं अभी, थोड़ा सा वेट करिए, चीजें अपने आप सेफ लेंगी, ठीक है ना। अभी तो मंत्रिमंडल में विभागों का भी बंटवारा नहीं हुआ, तो अब देखिए क्या है। जैसे बिहार को रेल हमेशा चाहिए, तब रेल मिलता है कि नहीं? भाई अभी तक पड़ोस में मनोज सिन्हा जी का था तो उससे थोड़ी सा सेटिस्फेक्शन था, लेकिन अब वो हार गए चुनाव तो अब ये कहां जाता है। अभी तो सारे विभागों को भी देखिए कैसे कैसे क्या होता है जी, बिल्कुल, विभागों का बंटवारा भी बाकी है। अब कुशवाहा जी हार गए, उपेंद्र कुशवाहा जी, अब क्या नित्यानंद राय जी को उनके मुकाबले खड़ा किया जाएगा? नित्यानंद राय जी ने उज्जैनपुर में उन्हीं को हराया, तो क्या उनको खड़ा कैसे किया जाएगा? तो अभी बहुत जल्दी होगी सब रिएक्शन करना। महत्वपूर्ण ये है कि आज जो जदयू बाहर रहा, ये इससे विपक्ष को एक मौका मिला है और उस पर उनकी राजनीति शुरू हो जी, बिल्कुल शुरू हो जाएगी। सर एक चीज और हम इसमें लास्ट में जोड़ लेंगे, जो शिवसेना है थोड़ा महाराष्ट्र की ओर जाते हैं तो उनकी भी सीटें कम नहीं है, लेकिन उनसे भी शायद एक ही रिप्रेजेंटेशन है। इस पर मैंने बहुत गौर नहीं किया है, लेकिन अभी वो सिम्बॉलिक है जिसको जिसको जो मिला है जी जी, तो थ्योरी उनकी जो है कि सबको भाई आप हमारे सहयोगी रहे तो हम आपको निराश नहीं करेंगे, तो निराश नहीं करेंगे, आप भी ले लीजिए, आप भी ले लीजिए, आप भी ले लीजिए, चाहे 6 सीट वाले हो चाहे 16 सीट वाले हो, बात बराबर की जी। अभी देखिए क्या टर्न लेता है। तो कुल मिलाकर अभी आप समझ रहे थे बिपोल प्रिंट के संपादक शैलेंद्र दीक्षित जी से, उन्होंने बताया कि तस्वीरें जो नीतीश कुमार ने जो स्टैंड लिया है उसके बाद तस्वीरें क्या बनकर सामने आ रही हैं, विपक्ष के बीच अभी क्या मैसेज जाएगा और आशंकाओं के बीज जो हैं वो शायद पर गए हैं नीतीश कुमार के स्टैंड लेने के बाद। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से वो सहमत नहीं थे, उन्होंने किनारा किया, हालांकि शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल थे और जहां तक बिहार से रिप्रेजेंटेशन की बात है तो गुंजाइशें अभी बाकी हैं, कम से कम 8 से 9 सीटों का रिप्रेजेंटेशन माना जा रहा है, इसमें 2-3 सीटें हो सकता है कि आगे में सहमति बने तो भविष्य में उसे दिया जा सकता है। फिलहाल पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन भी बाकी है, तो देखते हैं बिहार से किन्हें कौन सा मंत्रालय मिलता है और देश में क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है और विपक्ष में इसका संदेश
देश अब क्या जाएगा, 2020 में तस्वीरें कितनी बदलेगी, सब आपके सामने होगा। फिलहाल हमारी तरफ से इतना ही, आप देखते रहिए beforeprint.in। नमस्कार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।